तो हेलो दोस्तों, आज के फिर मैं आपके लिए एक वीडियो लेके चला हूँ। आज का जो वीडियो है डाइनिंग टेबल का चेयर, वो ब्लैक कलर का पॉलिश होगा, जो काला पॉलिश बोलते हैं वो पॉलिश होगा। तो इसमें पूरा नष्ट हो चुका है कुछ कुछ जगह, तो उस जगह को रिपेयरिंग किया हुआ था, तो उसको काट के पूरा एक करके प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। तो पहले घसाई होगा, तो चलिए देख लीजिए वीडियो को पूरा एंड तक। तो पहला अभी जो घसाई हो रहा है ये 80 नंबर पेपर से हो रहा है, और इससे घसाई हो जाने के बाद इसमें कलर चढ़ेगा ब्लैक वाला। तो ब्लैक कलर जिसे चढ़ेगा उसमें जो जो सामान लगेगा वो पूरा मैं आपको दिखाऊंगा, और इसमें जो दो कोट तीन कोट जो भी पॉलिश मारना हो भी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। तो पहले कलर को बना लेता हूँ घसाई करने के बाद, और ये मतलब पूरा अच्छा है अभी इसमें कलर, तो इसमें ज़्यादा हमको कलर करने का ज़रूरत नहीं होगा, दो कोट कलर करने से हो जाएगा। तो इसमें ले लिया हूँ मैं रेड वाला गाला, और इसमें मैं ले लूँगा ब्लैक कलर, जो ब्लैक पाउडर कलर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं भूसा काली, और भूसा काली ले लूँगा इसमें। और इसको अच्छे तरीके से मिलाने के बाद कलर को चढ़ाऊँगा, दो कोट कलर चढ़ाने से हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को देखते जाइए। तो ये मेरा कलर बन चुका है, तो चलिए कलर चढ़ा के आपको दिखाते हैं। तो देख ही सक रहे हैं एक कोट में कलर आना शुरू हो जा रहा है, क्योंकि पहले ब्लैक कलर किया हुआ है, तो इसको मैं दो कोट कलर करूँगा। तो देखते जाइए वीडियो को पूरा एंड तक, और पॉलिश हो जाने के बाद देखिएगा कितना सुंदर लगेगा। और इसमें सामने में प्लाई और सनमाइका लगाया हुआ है, इसमें सामने मेरे को करना नहीं है, खाली इसका बैक साइड और इसका जितना पैर है और जो बीट है उसमें मेरे को करना है। तो चलिए कलर हो जाने के बाद घसाई जो करूँगा वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो कलर होने ही वाला है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, कहीं काटिए मत, नहीं तो कुछ सीखना चाहते हैं तो सीख नहीं सकिएगा। जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे को अगर कोई फॉलो करता है और देख के अगर कुछ सीखना चाहता है तो सीख सकता है, तो इसलिए मैं पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक जो जो प्रोसेस है वो मैं पूरा दिखाता हूँ, जैसे कोई अगर सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। अगर किसी का मतलब दिल में चाहते हैं कि हाँ हम भी खुद कर सकते हैं, ये देख के अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं आराम से। हाँ, तो इसलिए मैं शुरू से लेकर पूरा लास्ट तक प्रोसेस दिखाता हूँ। तो चलिए मेरा ब्लैक कलर जाने के बाद इसको घसाई करूँगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और पेपर है 80 नंबर साइन पेपर से घसाया होगा, क्योंकि जैसे इसका कलर ना छूटे, खाली इसका जो बाली भाप रहता है वो जैसे कट जाए, जो स्मूथ हो जाए, क्योंकि इसके बाद इसमें पॉलिश चढ़ेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर पूरा लास्ट तक देखते जाइए। तो देख ही सक रहे अभी घसाई चल रहा है, और इसके बाद मैं इसमें गाला और गोल्ड कॉइन जो होता है उससे पॉलिश मारूंगा, दो से तीन कोट मारने से इसमें चमक चला आएगा, जो मेलामाइन जैसा होता है और इसमें भी चमक आता है, तो हम लोग बंगाल में उसको हम लोग गोल्ड कॉइन बोलते हैं, और बहुत ज़्यादा अवेलेबल मिलता है और इससे काम भी बहुत बढ़िया होता है। हाँ, उसमें मतलब दो तीन कोट मारने से ऐसे शाइनिंग एकदम चला आता है। हाँ, तो वीडियो को देखते जाइए, कहीं काटिए मत। तो मेरा कागज़ काटना हो जाने के बाद, मतलब कागज़ घिसाए जाने के बाद, हाँ, तो मैं इसमें पूरा प्रोसेस आपको दिखाऊँगा। तो कागज़ घिसाए जाने के बाद मैं इसमें गाला लूँगा, और जो हम लोग का एक नंबर स्पीड होता है वो लूँगा, और इसमें लूँगा थीनर लूँगा। हाँ, जो गोल्ड कॉइन बोल रहे हैं उसमें थीनर रहता है, और इसमें कार्फा बोल के एक चीज़ है वो रहता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ गाला लेके, इसको हम लोग गाला बोलते हैं, जो बहुत जगह पे लाग दाना या चपरा ये बोलते हैं, लेकिन हम लोग को बंगाल में गाला बोलते हैं। तो गाला ले लिया हूँ, और इसमें मैं जो बोल रहा था गोल्ड कॉइन, तो देख ही सक रहे गोल्ड कॉइन लिखा हुआ है, ये गोल्ड कॉइन को ले लूँगा और इससे अच्छा तरीके से पॉलिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को पूरा देखते जाइए। यह गोल्ड कॉइन, इसमें थीनर रहता है ज़्यादा, हाँ, और इसमें रहता है कार्फा, जिसको इससे मैं करूँगा अभी पॉलिश। तो चलिए वीडियो को देखते जाइए। तो दोस्तों, गाला स्पीड और गोल्ड कॉइन मैं ले लिया हूँ, तो इससे पॉलिश हो रहा है, और दो से तीन कोट मारने के बाद इसके चमक आप देख ही सकिएगा कि कितना चमक है। तो इसको दो से तीन कोट मारूंगा, जो मैं आपको पूरा मतलब इसमें प्रोसेस में नहीं दिखा रहा हूँ कि दो तीन कोट मारूंगा, लेकिन मैं दो से तीन कोट मारूंगा जिसमें इसका चमक चलाएगा। हाँ, आप अगर मतलब अगर चाहते हैं दो से चार कोट भी मारने में, तो उसमें भी ज़्यादा और शाइनिंग होगा, तो इसमें मैं ज़्यादा शाइनिंग नहीं करूँगा, क्योंकि इसका जो सनमाइका है वो थोड़ा मैट टाइप का है, उसमें ज़्यादा शाइनिंग है नहीं, ग्लोजी है नहीं, तो इसमें मैं ज़्यादा ग्लोजी करूँगा भी नहीं। हाँ, तो जैसे देखने में बेटर लगे उस हिसाब से मैं ग्लोजी करूँगा, आप चाहते हैं तो ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए, हो जाने के बाद मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ। तो देखिए मेरा एक चेयर हो चुका है, तो देख ही सक रहे कितना शाइनिंग हुआ है दो से तीन कोट में, और इसका जो बैक साइड है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें कितना लाइट फेंक रहा है। देखिए आप, इसमें आप थोड़ा समझ नहीं सकिएगा, लेकिन बैक साइड मैं आपको दिखाता हूँ। तो देख ही सक रहे बैक साइड में कितना लाइट फेंक रहा है। हाँ, तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो ऐसा वीडियो आप और भी मिलेगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।